हेलो स्टूडेंट गुड मॉर्निंग आई होप यू विल बी फाइन टुडे वी विल स्टार्ट साइंस चैप्टर नंबर वन फूड फॉर प्लांट्स ऑफ क्लास फोर्थ देखो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है फ़ूड की जैसे कि एक ह्यूमन बीइंग को एनिमल्स वगैरह को एनर्जी uh, चाहिए जो कि एनर्जी फूड से मिलती है तो वैसे प्लांट को ग्रो होने के लिए रिप्रोड्यूस होने के लिए उसको भी किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है फ़ूड की तो देखो आपको हेयर आर गिवन सम लीव्स यहाँ पे लिखा हुआ है एयर आर सम गिवन लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आइडेंटिफाई दैम एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट और ट्री टू विच दे बिलोंग देखो आपको ये कुछ लीव्स दी हुई हैं ठीक है ठीके? आपको इनको आइडेंटिफाई करना है पहचानना है उनके नेम जो है वो नोट करना है आप पहले अपने आप करके देखना नहीं समझ आएगा तो फिर मैं खुद कराऊँगी अब देखिए आइडेंटिफाई करके देखना अब देखो लाइक एनिमल्स एंड ऑल अदर लिविंग ऑर्गेनिक लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स किसको बोलते हैं लिविंग थिंग्स बोलते हैं जिंदा चीज़ों को चाहे वो प्लांट्स हो एनिमल्स हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई भी जैसे कि लाइक एनिमल एनिमल को और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांट ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो जैसे कि एनिमल्स को ह्यूमन बींग को फूड के रिक्वायरमेंट होती है ग्रो होने के लिए तो वैसे ही प्लांट्स को भी रिक्वायरमेंट होती है फूड की ग्रीन प्लांट्स आर जस्ट लाइक फैक्ट्रीज देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फैक्ट्री के तरह होते हैं जैसे कि फैक्ट्री में मैनुफैक्चर होता है बहुत चीज़ें बनाई जाती हैं अलग अलग फैक्ट्रीज़ होती है तो वैसे ही ग्रीन प्लांट्स क्या है फूड की फैक्ट्री है जो फूड सिंथेसाइज करते हैं दे मेक फूड फॉर देंसेल्स एंड एवरी एनिमल ऑन द अर्थ यूजिंग सनलाइट एनर्जी वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड देखो जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं तो जब वो ख़ुद बनाते हैं तो जितने भी एनिमल्स वगैरह हैं वो क्या करते हैं फिर जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड किस किस चीज़ की प्रेजेंस में बनाते हैं सनलाइट की वाटर की और कार्बन डाइऑक्साइड की और फिर उसको एनिमल्स भी यूज़ करते हैं प्लांट आल्सो रिसाइकल द एयर एंड मेक ऑक्सीजन फॉर अस ब्रेथ देखो जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं गैस को मतलब एयर को जो किया है वो रिसाइकल करते हैं जैसे कि उन्होंने क्या किया प्लांट जो है वो अपना फूड बनाने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की और वो रिलीज़ क्या करते हैं अपनी बॉडी से ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है उसको हम यूज़ करते हैं और फिर हमारी बॉडी से क्या निकलती है कौन सी गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं तो ऐसे ही हमारे जो प्लांट्स हैं वो इन्वायरमेंट को क्लीन भी करने में हेल्प करते हैं और गैसेज को मेनटेन भी करते हैं अब आगे देखें बट हैव यू एवर वंडर्ड वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम जैसे कि आपको के आपने देखा है कि जो प्लांट्स है वेयर प्लांट गेट देयर फूड फ्रॉम कि जो प्लांट्स है वो कहाँ से अपना फ़ूड को लेता है। हैव यू एवर सीन अ ट्री ईटिंग फूड कि आपने कभी देखा है पेड़ को खाना खाते हुए नो दिस इज़ बिकॉज दे डोंट ईट फूड क्योंकि वो फूड नहीं खाते हैं मतलब वैसे लेते हैं वो फूड लेकिन वो हमारी तरह नहीं खाते हैं और वैसे ही हम वो प्रिपेयर्ड भी करते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते इन स्टीड मोस्ट ऑफ देम मेक फूड डैम देखो जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं अपना फूड खुद सिंथेसाइज़ करते हैं ऐसे बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो अपना फूड नहीं सिंथेसाइज़ कर पाते वो फिर किसी दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं ओनली सम ऑफ देम डिपेंड ऑन प्लांट्स ऑन अदर प्लांट और इंसेक्ट फोर फूड ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लान्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं ठीक है अब आ गए थे कि प्लान्टेक देर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ देयर लीव जो प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद सिंथिसाइज करते हैं और कहाँ पर फूड सिंथिसाइज होता है लीवस में पतियों में खाना बनाया जाता है प्लांट जो है वो अपना फूड कहाँ पर बनाते हैं लीव्स में ठीक है क्यों लीव्स में वो आप आगे देखिए डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ़ लीव्स जो डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती हैं जैसे कि आप देखो यहाँ पे ये आपको फोर टाइप की लीव दिखाई लीवस दिखाई गई हैं है तो सबका ग्रीन कलर लेकिन सबके स्ट्रक्चर शेप कलर कलर तो मोस्टली सेम सा है फिर भी ग्रीन सा है अदरवाइज शेप साइज वो सब डिफरेंट है तो लीव्स आर डिफरेंट इन शेप साइज एंड कलर और यहाँ तक कि उसका शेप जो है वो देखो अलग है डिफरेंट है अब आप देखिए और उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी डिफरेंट है शेप और साइज़ और यहाँ तक कि थोड़ा कलर में भी कोई लाइट ग्रीन होता है डार्क ग्रीन तो कलर में इतना डिफरेंस नहीं होता अदरवाइज शेप में और साइज़ में काफ़ी डिफरेंस होता है अब आगे देखिए मोस्ट प्लांट है ग्रीन लीव्स बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट कॉल क्लोरोफिल ज़्यादातर जो ग्रीन प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं वो आपने देखा होगा आप अपने चारों तरफ प्लांट्स देखना ट्री देखना तो आपको जो लीव्स होती हैं उनकी जो पतियाँ होती हैं वो कैसे कलर की होती है ग्रीन कलर की होती हैं वो ग्रीन कलर की क्यों होते हैं क्योंकि वहाँ पर ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ना ग्रीन कलर मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल की वजह से प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और इसीलिए प्लांट्स में फोटो जो खाना बनता है जो प्लांट्स में वो कहाँ पर बनाया जाता है लीव्स में लीव्स में क्यों बनाया जाता है क्योंकि खाना बनाने के लिए प्लांट को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है तो क्लोरोफिल आप कहाँ पर मिलता है वो लीव्स में पाया जाता है वैन वी कैन आइडेंटिफाई द प्लांट बाई इट्स लीव्स हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी लीव्स से ठीक है अब आगे देखिए पार्ट्स ऑफ अ लीव लीव के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लीव इज़ द सेम देखो जो मोस्टली जो लीव्स होती हैं उसके स्ट्रक्चर जो है वो मोस्टली इस तरह की होती है फिर उसमें बीच में ये वेन भी होते हैं साइड साइड में ये तो मतलब मोस्टली वो एक अलग बात है कि कुछ जो लीव्स होती है वो ब्रॉड होती है ज़्यादा बहुत मोटी होती है कुछ थोड़ी थीन होती हैं कुछ तो इस तरह के से अदरवाइज़ वैसे जो बेसिक स्ट्रक्चर यही होती है अब आगे देखिए द फ्लैट ब्रॉड पोर्शन ऑफ लीव इज़ कॉल्ड द लिव ब्लड और लेमिना देखो जो लीव्स का ये वाला पोर्शन होता है ना ये ब्रॉड पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लीफ ब्लेड या फिर लेमिना ये बोलते हैं अब आगे देखिए द स्टॉक अटैच टू द लीव ब्लेड टू द स्टेम इज़ कॉल्ड पेटियोल देखो जैसे कि ये फॉर एग्जाम्पल ये हमारा स्टेम है तना है प्लांट का ठीक है तो ये जो है वो लीव्स ऐसे होती है अब ऐसे होगी ये लीव्स तो जो ये हमारा ये जो लीव्स से लीव्स के पोर्शन से और इस टाइम के जो पोर्शन से जो अटैच होता है ये वाला पोर्शन इसको बोलते हैं हम पेटियोल अब आगे देखिए द लैमिना हैज़ अ मेन वेन एंड मैनी साइड वेन विच फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ वेन्स देखो जो हमारा लैमिना होता है जैसे कि ये ये लीफ ब्लेड है तो इसमें जो मेन बीच में जो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मेन वेन और जो इसमें साइड साइड में होती है ये इन क्या साइड वेन इनको क्या बोलते हैं साइड वेन्स ओके दिस वनस हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रेंट्स ये जो मेन वेन वेन होती है साइड वेंस होती है लाइने से होती हैं किस लिए होती हैं जिससे कि जो हमारा वाटर है फूड वगैरह है प्लांट्स में वो क्या हो जाए ट्रांसपोर्ट हो जाए एक जगह से दूसरी जगह चला जाए क्योंकि जो प्लांट्स में फोटो जो फूड बनाया जाता है वो कहाँ पर बनाया जाता? बना जाता है लीव्स में ही बनाया जाता है लीव्स में क्या होता है फूड सिंथेसाइज होता है फूड बनाया जाता है इसलिए यहाँ से जो फूड है वो प्लांट्स के और पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा अब आगे देखिए टीनी पोर्ट्स कॉल द स्टोमेटा ऑन द प्रेजेंट आर प्रेजेंट ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव लोअर सरफेस ऑफ लीव देखो जो स्टोमेटा होते हैं टीनी पोर्ट्स होते हैं बहुत छोटे छोटे से पोर्ट्स होते हैं इस तरह के लाइक दिस ये तो इसको क्या बोलते हैं है? स्टोमेटा तो ये स्टोमेटा जो है जैसे कि ये लीव्स है तो लीव्स के नीचे की साइड में अगर आप देखेंगे तो वैसे तो हमें नहीं दिखेगा क्योंकि हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ेगा ना हमें स्टोमेटा देखना है लेकिन नीचे की सरफेस पे देखा जाता है स्टोमेटा स्टोमेटा ये होता है ये गार्ड सेल होते हैं ये जो हेल्प करते हैं गैसेज को एक्सचेंज करने में बदलने में अब आगे देखिए इन स्टोमेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द लीव्स एंड द एटमोस्फेयर टेक प्लेस अब स्टोमेटा की वजह से क्योंकि लीव्स में ये स्टोमेटा होता है ये वाला ये स्टोमेटा होते हैं तो ये स्टोमेटा हेल्प करते हैं एक्सचेंज गैसेस करने का जैसे कि प्लांट्स को फूड बनाने के लिए अपने कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है कार्बन डाइऑक्साइड को ये लिखते हैं सी ओ टू और जब वो अपना फूड बना लेता है तो अपनी बॉडी से क्या चीज़ रिलीज़ करता है स्टोमेटा के थ्रू ऑक्सीजन जो कि एटमॉस्फेयर में फिर उस ऑक्सीजन को कौन यूज़ करता है एनिमल्स मतलब ह्यूमन बींग भी करते हैं हम लोग भी करते हैं फिर ऑक्सीजन जब हम यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी से क्या चीज़ रिलीज़ होता है कार्बन डाइऑक्साइड उस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कौन यूज़ करता है प्लांट्स यूज़ करते हैं किसके थ्रू स्टोमेटा के थ्रू जो कि लीव्स में प्रेजेंट होता है अब आगे देखें द पोर्स ऑल्सो हेल्प इन द लॉस ऑफ वाटर फ्राम द प्लान्टॉल ट्रांसपीरेशन और देखो जो हमारा टोमेटा होता है आई I मीन mean, जो प्लान का जो टोमेटा होता है वो देखो ओपन भी हो जाता है और क्लोज़ भी तो ये जो टोमेटा है ये ओपन है जब प्लांट्स को वाटर चाहिए तो ये ओपन हो जाएगा और जब हमारा टोमेटा जो है वो ऐसे क्लोज हो जाएगा तो इसका मतलब उसका जो वाटर है अब उसको रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो क्लोज हो जाएगा तो इसीलिए इस टोमेटा जो ये पोर्स होते हैं ये वाटर लूज़ में भी हेल्प करते हैं मतलब प्लांट की बॉडी से कि वाटर ना निकल पाए ट्रांसपीरेशन ना हो पाए ट्रांसपीरेशन बोलते हैं वाटर का वेपर्स की फॉर्म में रिलीज होना प्लांट की बॉडी से तो वो ना हो तो इसलिए क्लोज भी हो जाते हैं अब आगे देखिए हाउ प्लांट मेक देयर फूड जो प्लांट है वो कैसे फूड बनाता है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाई ग्रीन प्लांट्स इज कॉल्ड फोटो सिंथेसिस फ़ोटो सिंथेसिस का मतलब होता है देखो फोटो का मतलब होता है यहाँ पे लिखा है ना फोटो पी एच ओ टी ओ फोटो फोटो का मतलब होता है लाइट लाइट का मतलब है सनलाइट धूप और सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर मेक जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं अपना फूड बनाते हैं उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं फोटोसिंथेसिस और ये फोटोसिंथेसिस किस किसकी बॉडी में होता है ग्रीन प्लांट्स की बॉडी में हमारी बॉडी में नहीं फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन प्लांट्स के जो प्रोसेस जो फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है मेथड होता है उसको बोलते हैं फोटो के फोटो का मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस में और सिंथेसिस का मतलब है बनाना देखो यहाँ पर लिखा है फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर ग्रीन प्लांट्स मिक्स वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू मेक फूड देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको अपना फ़ूड बनाने के लिए फूड को सिंथेसाइज करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है जो कि वो सॉइल से लेते हैं मिट्टी से रूट्स के थ्रू अपनी जड़ों के थ्रू वो लीव्स तक पहुँचा देते हैं वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लीवस किससे लेता है इस्टोमेटा से जो मैंने अभी आपको बताया ये यहाँ पर इस्टोमेटा लिखा हुआ है इससे वो कार्बन डाइऑक्साइड ले, ले लेंगे और सनलाइट जो है वो निकल ही रही है ठीक है तो उससे वो अपना फूड सिंथेसाइज करते हैं तो उस वाले फूड के जो मेथड है सिंथेसाइज़ करने का उसको बोलेंगे फोटो अब आगे देखिए जस्ट एज वी नीड मैनी थिंग्स टू मेक अवर फूड द रूट्स ऑफ प्लांट एब्जर्व वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सम ट्यूब्स इनसाइड द कैरी इट अप टू द लीव्स देखो जो वाटर होता है वो सॉइल में डाला देखो अगर हमें किसी प्लांट को वाटर देना है अगर हमारे घरों में पौधे लग रहे हैं ठीक है तो हम पानी डालेंगे किस में डालते हैं मिट्टी में नीचे ही तो डालते हैं ऊपर डालेंगे स्टैम्पल नहीं नीचे डालेंगे क्योंकि जो सॉइल के जो पार्टिकल होते हैं मिट्टी के जो पार्टिकल होते हैं उसमें क्या है रूट है तो रूट जो है वो क्या करेगी वाटर को एब्जर्व करेगी ठीक है और वाटर को ऐब्जर्व करने के बाद वो ट्यूब्स के थ्रू कहाँ पर पहुँचाएगी उस वाटर को लीव्स में और लीव्स में फिर स्टोमेटा है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और सनलाइट उसके ऊपर देखो जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे सनलाइट डल रही है तो इस वाले प्रोसेस में फिर वो क्या होगा फोटोसिंथेसिस होगा प्लांट अपना फूड सिंथेसाइज कर पाएगा अब आगे देखिए हाउ डज़ फोटो सिंथेसिस अकर कैसे होता है फोटो सिंथेसिस प्लांट कैसे खाना बनाता है प्लांट यूज़ क्लोरोफिल क्लोरोफिल कहाँ पर होता है लीव्स में प्लांट यूज क्लोरोफिल सनलाइट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड जो प्लांट होता है वो अपना फूड किस किस चीज के प्रेजेंस में बनाते हैं सनलाइट की जिसको बोलते हैं धूप वाटर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल हेयर इट इज़ अ सिंपल हेयर इज अ सिंपल इलेस्ट्रेशन टू शो द नाउ दिस प्रोसेस अकर क्लोरोफिल कैप्चर द सनलाइट एनर्जी देखो जो क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल की वजह से ही जो लीव्स में प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर की पिगमेंट यहाँ पे बताया था मैंने आपको ये क्या करता है सनलाइट को कैप्चर करता है सनलाइट को अपनी साइड खींचता है दिस एनर्जी स्प्लिट यू स्प्लिट वाटर इंटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो एनर्जी होती है सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है वो क्या करती है वाटर जो होता है वाटर को स्प्लिट करती है वाटर को ब्रेक करती है वाटर का फॉर्मूला ये एच टू तो वाटर को ब्रेक करेगी तोड़ेगी स्प्लिट का मतलब तोड़ना हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में ये ब्रेक करेगी अब आगे देखिए द ऑक्सीजन इज रिलीज इन द एयर फिर जो ऑक्सीजन जो प्लांट्स अपने प्लांट्स ने फूड सिंथेसाइज किया फिर उस प्लांट की बॉडी से क्या रिलीज होगी ऑक्सीजन जो कि एयर में जाएगी फिर उस ऑक्सीजन को हम यूज़ करेंगे द हाइड्रोजन इज़ यूज विद द विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक ग्लूकोज और जो हाइड्रोजन स्प्लिट हुआ है वाटर का वाटर का जो स्प्लिट हुआ है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तो ऑक्सीजन तो एयर में रिलीज़ होगी और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर वो ग्लूकोज बना लिया जो कि फूड होता है द ग्लूकोज़ इज़ मूव फ्रॉम द लीवस टू अदर parts ऑफ द प्लांट where दे आर स्टोर्ड और जो फिर वो ग्लूकोज होता है क्योंकि लीव्स में खाना बनता है अब प्लांट्स के हर एक पार्ट को ग्रो होना है तो फिर लीव्स के थ्रू हर एक पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या फूड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अब वाटर इन द प्लांट वेन्स कैरी द ग्लूकोज अब जो वाटर की जो वेन्स होती हैं वो ग्लूकोज को कैरी करेंगे जो फूड बनाया फूड जो होता है प्लांट का वो क्या हो गया ग्लूकोज हो गया वैन द ग्लूकोज रीच द रीच द स्टोर्ड पार्ट इट चेंज इन टू स्टार्च और जैसे ही हमारा जो ग्लूकोज होता है प्लांट का जो ग्लूकोज होता है जब वो जहाँ पर स्टोर होता है तो वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो वो कौन सी फॉर्म में चेंज हो जाता है स्टार्च की फॉर्म में तो प्लांट में जो स्टोर्ड फूड होता है जो स्टोर्ड फूड के बारे में यूज़ कर लें तो कौन सी फॉर्म में, में स्टोर होता है ग्लूको स्टार्च की और जो प्लांट फूड बनाता है स्टार्टिंग में तो वो कौन सा होता है ग्लूकोज़ और जब वो स्टोर हो जाता है तो वो स्टार्च में हो जाता है अब आगे देखिए प्लांट कैन स्टोर द स्टार्च इन द फॉलिंग पार्ट देखो जो प्लांट है वो स्टोर करता है ए, ए, स्टोर करता है फूड को कौन कौन से लीव्स में फ्रूट्स में स्टेम में सीड में फ्लावर्स में और रूट में और ये आपको एग्जाम्पल दिए हुए हैं जैसे कि लीव्स में कैबेज जो गोभी होती है ब, बंद गोभी और क्या स्पंच पालक है लिट्यूल किसको बोलते हैं जो सलाद में काम आते हैं हमारी चीज़ें उसमें और फ्रूट्स में कौन कौन से जैसे एप्पल में बनाना में इन सब में और स्टेम में शुगर केन में सीड्स में जैसे कि गेहूँ इन सब में तो ये आप अच्छे से पढ़ लेना दैट्स ऑल फोर टू डे